नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार और मैं आपके सामने एक ट्यूटोरियल के माध्यम से बताऊंगा कि अपन गूगल पर कुछ भी ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं या ईमेल अकाउंट अपना बनाते हैं, जैसे याहू आईडी है या जीमेल अकाउंट है, तो अपने पास में कुछ टर्म एंड कंडीशन आते हैं, अपने सामने कुछ टर्म एंड कंडीशन आते हैं, एक चेकबॉक्स छोटा सा खुलता है, इसको अपन टिक करते हैं कि आई एक्सेप्ट, मीन्स अपने द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, जब भी अपन आगे प्रोसेस कर पाते हैं। तो इसी तरह से यूट्यूब चैनल जो होता है, यूट्यूब है, वर्ल्ड वाइड चैनल है, तो उसके भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, कुछ दो पेज के नियम हैं जो आप अपने इस ट्यूटोरियल के माध्यम से देखेंगे। तो आइए अपन देखते हैं मित्रों कि इसमें कौन कौन से नियम होते हैं, कौन कौन से नियमों की अपन को पालना करनी पड़ती है। ये पार्टनरशिप प्रोग्राम होता है, यूट्यूब का साझेदारी कार्यक्रम जो होता है उसको अपन विस्तार से देखते हैं। हाँ तो मित्रों, देख रहे हैं आप कि यूट्यूब साझेदार कार्यक्रम के कुछ नियम, इसमें अपन को कौन कौन से नियमों की पालना करती पड़ती है। अगर अपन यूट्यूब पर चैनल बनाते हैं तो अपने सामने ये नियम जरूर आते हैं जिनको अपन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो अब ये जरा देख लेते हैं इसमें कौन कौन से नियम होते हैं कि इसमें अगर मुद्रीकरण से प्राप्त है, जैसे यूट्यूब पर अपन को कुछ अर्निंग्स प्राप्त होती है, अपने सब्सक्राइबर्स व्यू देखे जाते हैं, तो उस अनुसार अपन को अर्निंग्स प्राप्त होती है, जो उसके क्या नियम है। विज्ञापन से प्राप्त आय, यानी कि इसमें पार्ट ए में है कि विज्ञापन से प्राप्त आय, यानी कि विज्ञापन जो यूट्यूब चैनल पर जो विज्ञापन ऐड आती है तो उसमें 100 में से 55% जो राशि होती है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। उसके बाद में दूसरा है बी पार्ट में सदस्यता यानी सब्सक्रिप्शन, अपनी जो सदस्य होते हैं, पार्टनरशिप होती है, तो उसमें भी अपन को उसके माध्यम से भी अपने द्वारा अपने अकाउंट में राशि 55% का अपन को भुगतान यूट्यूब चैनल द्वारा किया जाता है। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है उसमें भुगतान खाता आवश्यक, यानी कि अपने द्वारा अपने गूगल चैनल जो यूट्यूब चैनल होता है अपने अकाउंट में राशि प्राप्त अगर डिपॉजिट करवाता है तो वो किस में करवाएगा, उसके लिए अपने पास में अपने अकाउंट में $10 जब हो जाते हैं, $10 की राशि हो जाती है अपने अकाउंट में, तो यूट्यूब चैनल द्वारा अपना एक अकाउंट मांगा जाता है, उस अकाउंट को वेरीफाई किया जाता है, उसके लिए यूट्यूब द्वारा अपने ऊपर 4 डिजिट का कोड आवंटित किया जाता है, उस कोड को अपन अपने अकाउंट से वेरीफाई करते हैं, जब गूगल एडसेंस द्वारा अपने अकाउंट में वह राशि ट्रांसफ़र की जाती है, वेरीफाई अकाउंट होता है अपना, वेरिफिकेशन होने के बाद ही गूगल एडसेंस जो होता है वह अपने अकाउंट में राशि जारी करता है और उस राशि को अपने विड्रॉल करते हैं। तीसरा जो होता है भुगतान के नियम, यानी कि जो अपन को एडसेंस द्वारा राशि जारी की जाती है वह विद इन 60 डेज, यानी कि 60 दिनों के अंतर्गत, 2 महीने के अंतर्गत अपने अकाउंट में वह राशि ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद में चौथा है समाप्ति, ये मेन पॉइंट है, चौथा जो होता है समाप्ति, यानी कि अपन अगर गूगल पर या यूट्यूब चैनल पर अपने कुछ ट्यूटोरियल जो अपन जारी करते हैं, बनाते हैं, या उसमें कुछ ऐसी भाषा लिख देते हैं जो इलीगल हो, या इलीगल ट्यूटोरियल अपन बनाकर अपन अपलोड कर देते हैं, तो अपना जो चैनल जो यूट्यूब है वो अपने द्वारा क्रिएट चैनल को रिमूव भी कर सकता है, अपने पार्टनरशिप जो प्रोग्राम होता है उसको भी, साझेदारी कार्यक्रम को समाप्त कर सकता है। पांचवा जो होता है अधिशासी कानून, यानी कि यूट्यूब के जो कानून जो होते हैं, नियम होते हैं, उसमें अपन को इन नियमों की पालना करनी पड़ती है। उसके बाद में छठा है विविध, यानी कि मतलब होता है सबसे पहले, जैसे कि अपन यूट्यूब क्रिएट अपना चैनल बाद में किया, वर्तमान में किया लेकिन पूर्व में भी कुछ करार इसमें शामिल होते हैं, यूट्यूब द्वारा पूर्व में जारी निर्देश जो होते हैं वो पूर्व वाले नियम एवं वर्तमान जो अपन ने क्रिएट किया है नया चैनल, तो अपने ऊपर जो निर्देश जारी होते हैं तो उन सभी की पालना अपन को करनी पड़ती है। तो मित्रों, आपने देखा इस मतलब यूट्यूब चैनल पर अपन जारी करते हैं, अपना क्रिएट अकाउंट करते हैं, तो अपन को कौन कौन से नियमों की पालना करनी पड़ती है। तो आपने देखा इसमें, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले मित्रों। ओके, थैंक्स।